नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज निशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जब से सीए लागू हुआ है, इनकी बौखलाहट जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कैसे बड़ा कांड किया, उनके खुद के अपने विधायक ने जो कांड किया है, आखिरकार उससे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। कुछ देर रुकिएगा, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड का काम तमाम तो होगा ही होगा और इसके साथ साथ केजरीवाल का भी काम तमाम होगा। आपसे अनुरोध करेंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो देख करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। चलिए बताते हैं आपको पूरी की पूरी खबर, आखिर क्या है पूरा का पूरा मामला। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट, उसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ट्वीट का सीधे सीधे मायने दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस बड़े कांड की तरफ है, जहां पर हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएंगे। आपके सामने एक ट्वीट है, इसमें लिखा गया है, इन पाकिस्तानियों की हिम्मत ? पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोग परेशान करेंगे। बीजेपी ने अपना वोट बैंक बनाने का स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में ढकेल रही है। अब तो मुख्यमंत्री केजरीवाल, पहले तो सुन ले, ये जो तुमने लिखा है, ये मुख्यमंत्री होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस पर तुम अडिग रहोगे और माफी नहीं मांगोगे, क्योंकि मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो किस नाते और दिल्ली वक्फ बोर्ड के तुम्हारे विधायक का है, तुम्हारा कांड है और तुमने इस पर आदेश दिया था। हम सबसे पहले इस ट्वीट पर आपकी प्रतिक्रिया तो चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं एक वीडियो, वो वीडियो आप पहले देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्ला, ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, एक महीने का राशन और 10,000 रुपया कैश मैंने दिए हैं हर एक फैमिली को, 10,000 रुपया। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से चलना शुरू हो गया होगा और चलना भी चाहिए। एक हिंदू होने के नाते अब केजरीवाल जो सीए पर बवंडर मचा रहा है, क्योंकि इसको तो पाकिस्तान से बांग्लादेशी रोहिंग्या जो आए हैं उनका वोट चाहिए और दिल्ली में भरे पड़े हैं झोपड़पट्टियों में यही रोहिंग्या। और देखिए क्या हो रहा है यहां पर, केजरीवाल इनको 10,000 रुपए राशन। कौन है ये रोहिंग्या? मुसलमान अवैध, कहां से आए हैं ये? हिंदुस्तानी है ये? शर्म करो। किसकी पैदाइश कौन है, इसके बारे में हम नहीं जिक्र करेंगे। एक आंदोलन से निकला हुआ, लेकिन असल में वो दिल्ली की जनता को शायद बेवकूफ बना रहा है। मैं शायद क्यों कह रहा हूं, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। आप सभी की प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मिलती रहनी चाहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अब दिल्ली का मुखिया अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा, ये वीडियो जो दिखाई गई है वो झूठी है। अब मैं आप अरविंद केजरीवाल से कहता हूं कि चलिए, ये वीडियो दिल्ली में दिखाई गई जो आपने कहा कि ये झूठी है और आप पैसे नहीं दे रहे हो उनको, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल इस बात पर बयान जारी कर ले कि जो रोहिंग्या मुसलमान है वो हिंदुस्तानी है, एक ट्वीट कर दे।
और सबसे बड़ा जो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है केजरीवाल, वो भ्रम ये है कि वो कह रहा है कि बीजेपी अमित शाह जो पाकिस्तान बांग्लादेश पूरी पूरी बांग्लादेश पाकिस्तान यहां पर आ जाएगा और वो यहां पर रहने लगेगा। सबसे पहले आम जनता को मैं क्लरिफाई कर दूं कि जो कुछ है, जो सच है उसको समझिए, क्योंकि ये बहरूपीय है जो चेहरा बदल कराकर आपको आपको बरगला रहे हैं। ये कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं। पहला जवाब, और उसका मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, उसका मैं आपको बाद पूरा प्रूफ भी देने जा रहा हूं। जिनको नागरिकता दी जा रही है ये कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जा रही है क्योंकि वो हिंदू हैं। अगर ये मुसलमानों को नागरिकता दे दी गई होती तो ये केजरीवाल, देखिए वह बोर्ड में क्या कांड करवा रहा है, 10,000 रुपए मानवता, महीने भर का राशन, और इसके अलावा कई वीडियो आती हैं जहां दिल्ली का केजरीवाल इन बस्तियों में हजारों रुपए बांटते देखे गए हैं, इसके अपने खुद के लोग। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक और है, अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहता है, आज कोर्ट में कहा इसने, इसके नेता ने, कि मेरा जो इसके मुख्य वकील ने कोर्ट में कहा कि मेरे जो मुख्यमंत्री है बड़ो सीधे साधे हैं, क्योंकि उनकी शर्ट की जो शर्ट है उनकी वो भी पैंट के अंदर नहीं होती, खुली रहती है। ये दावा किया गया आम आदमी होने के लिए कि एक बड़ा कंडीशन है आम आदमी की कि वो आम आदमी वही है जो शर्ट की पैंट शर्ट अपनी पैंट के अंदर नहीं दबाता। अब आप खुद सोचिए ये व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है। दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में ही बता दूं आपको, व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है सुबह सूट बूट टाई में जाता है, 15,000-20,000 की नौकरी करता तुम्हारे दिल्ली में, वो आम आदमी नहीं है क्योंकि सूट बूट टाई में जा रहा है। और तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तुम खुला के और 45 करोड़ के बंगले में खुद रहते हो, हिम्मत है तो मीडिया को एक बार अंदर घुस अपने बंगले में दिखा दो ना बंगले को, असलियत किसी मीडिया को नहीं दिखाया इसने, असलियत कहां गए पर्दे, वो जो करोड़ों के पर्दे आए थे वो कहां हैं। और आम आदमी की बात करता है और दिल्ली में बात कर रहा है जिस बात की, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए, माफ कीजिएगा ये कहना तुम कहना गाली नहीं है, ये संबोधन है। और इस संबोधन में मैं किसी को प्यार से आप कहूं और किसी को प्यार से तू कहूं ये मेरी मर्जी है, ये संबोधन गलत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं प्रूव कर पाओगे केजरीवाल को तू क्यों बोला, क्योंकि तुम पैदा ही आप हुए थे इसलिए तुम्हें तू बोला। बाकी हमने आपको जो भी चीजें दिखाई हैं आप सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा, हिंदुस्तान में हिंदुओं को कह रहा है कि पाकिस्तानियों की क्या हिम्मत है और रोहिंग्या मुसलमानों को 10,000 रुपये और राशन बंटवाया जा रहा है। ये दिल्ली बोर्ड के खुद के इसके विधायक अमातुल्ला खान का ये बड़ा कांड है, जो दिल्ली बोर्ड का अध्यक्ष भी रह चुका है। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।